आज हम लोग देखें कि फ्री एआई आर्ट इमेजेस कैसे बनानी है कुछ इस तरह की। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, एआई राइटर्स, चैट जीपीटी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई इमेजेस के बारे में, क्या होती है, कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से फ्री में अच्छे सॉफ्टवेयर्स है, सब कुछ ए टू जेड आज मैं बताऊंगा एआई आर्ट के बारे में, एआई इमेजेस के बारे में। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एआई आर्ट। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट देना पड़ता है एआई को या किसी सॉफ्टवेयर को, जो आपको उस टेक्स्ट के बेसिस पर एक इमेज जनरेट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेक एन इमेज ऑफ एन पांडा ऑन मार्स ईटिंग नूडल्स, तो वो मुझे पांडा की इमेज बना के दे देगा सब मिक्स करके। या मैं उसको एक एकदम सा वियर्ड प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, अ वॉकिंग टेडी बेयर इन बिटवीन ऑफ ज़ॉम्बीज। ऐसे आप कुछ भी उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो एंड देन वो इमेज आपको बना के दे देगा। अब इन इमेजेस को जनरेट कौन करता है? इन इमेजेस को जनरेट करता है एआई। एआई ने यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस को स्टडी किया है ऑल ओवर द इंटरनेट एंड उस स्टडी के बेसिस पर, उस नॉलेज के बेसिस पर वो अपनी एक नई इमेजेस बनाती है। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे कि ओपन एआई का है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। चैट जीपीटी पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। नहीं पता है चैट जीपीटी तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। तो जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है उन्होंने ही एक ऐसा टूल भी बनाया है डॉल ई के नाम से, वो है स्टेबल डिफ्यूजन करके एक मॉडल है, मिड जर्नी करके है। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स है ऑल ओवर द इंटरनेट जिसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब डिपेंडिंग कि आप लोग कौन सी सर्विस का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो हर सर्विस यहाँ पर अलग मॉडल यूज़ कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने अपने एल्गोरिदम्स लगा के रखे हैं, प्लस हो सकता है कि वो लोग मिक्स भी यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे चल के कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। एआई आर्ट में तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, वो है प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स मतलब जो भी आप लोग उसको टेक्स्ट इनपुट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था पांडा का, तो पांडा का जो हमने इनपुट दिया था दैट वाज अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली एआई आर्ट में पूरा जो खेल है वो आपके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का ही है। जितना अच्छा आपका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट रहेगा उतनी अच्छी इमेजेस आएगी, जितना बेकार आपका प्रॉम्प्ट रहेगा उतनी बेकार इमेजेस भी आएंगी। पहले अभी हम लोग यहाँ पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट को लेके चलते हैं एंड धीरे धीरे आगे इसको एडवांस में कैसे लिखना है और एडवांस में कैसे इमेजेस क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ लेट्स चेक आउट एग्जांपल्स ऑन अवर स्क्रीन। जो सबसे पहला और मेजर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वो है मिड जर्नी। मिड जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एआई आर्ट जनरेटर्स आउट देयर। इसको यूज करने के लिए आपको पहले यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा एंड इट इज अ पेड ऑप्शन। फ्री में यहाँ पर आप लोग पहले 25 इमेजेस बना सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। एंड इसमें आपको अगर इसको यूज करना है, इसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो पहले आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे जाना पड़ेगा, अपना डिस्कॉर्ड पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको डिस्कॉर्ड पे फ्री में अकाउंट बनाया जा सकता है। डिस्कॉर्ड पे अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आपको इनका बीटा ज्वाइन करके इनका जो डिस्कॉर्ड सर्वर है कुछ इस तरीके से, ये रहा इनका सर्वर। तो जैसे कम्युनिटीज होती है वैसे यहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड पे मिड जर्नी की कम्युनिटी मिल जाएगी, उस पर यहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद जो न्यूबीज वाले रूम है यहाँ पर आपको जाना है, तो इसको यहाँ पर यूज करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमें डालना है स्लैश इमेजिन एंड देन ये आ जाएगा इमेजिन प्रॉम्प्ट। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपको अपना प्रॉम्प्ट लिख देना है। तो फिलहाल मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि आप मुझे इंटीरियर डिजाइन दो ऑफ अ डेंटिस्ट क्लिनिक विथ टूथ थीम। तो मैंने इसको एक इंटीरियर डिजाइन देने को कहा है। अब यहाँ पर मेरा सब्सक्रिप्शन ओवर हो चुका है, इसका मतलब मैंने इसमें सब्सक्राइब नहीं किया था, तो जो मेरा फ्री प्लान था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या फिर वो अभी मुझे डिक्लाइन कर रहा है फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पर ये इसमें लिमिटेशन है, बट जो इमेजेस यहाँ पे जनरेट होती है दैट इज़ वेरी गुड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्री में ज्वाइन करके कि लोगों ने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किया है और उनको क्या इमेजेस मिली है। इसका एक फ्री ऑल्टरनेटिव भी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो मेक श्योर पूरा वीडियो देखो आप लोग। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज़ फ्री अगेन, वो है डॉल ई। ओपन एआई की तरफ से आता है जिसकी तरफ से चैट जीपीटी है। यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं ट्राई डॉल ई पे, जैसे आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस तरह का यहाँ पर आ जाएगा। हर महीने यहाँ पर आपको 15 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, मतलब मैं 15 क्वेरीज यहाँ पर रन कर सकता हूँ। मेरे पास अभी 10 क्रेडिट्स लेफ्ट है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन नहीं करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जाओ, अपना जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटीरियर डिजाइन ऑफ अ डेंटिस्ट क्लिनिक विथ टू थीम, ये डालना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर लिमिटेशंस है, सिर्फ 10 या 15 इमेजेस आप लोग जनरेट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा जो आउटपुट आ गया है, ये कुछ अच्छा नहीं आया है वैसे, इन माई ओपिनियन एवरेज सा है। तो अब यहाँ पर मैं एक और दूसरा प्रॉम्प्ट भी डालता हूँ,
विच इज दिस वन, पांडा राइडिंग मोटरबाइक ऑन प्लैनेट मार्स। देखते हैं यहाँ पर कैसा आउटपुट आता है। नाउ मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ विच इज एब्सोल्युटली फ्री अनलिमिटेड एंड डॉल ई पर ही बेस्ड है वो भी। इनफैक्ट मुझे उसका आउटपुट इससे थोड़ा बेटर लगा है। वो है माइक्रोसॉफ्ट का इमेज क्रिएटर। यहाँ पर आपको चले जाना है, इस सारी वेबसाइट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दिस इज इमेज क्रिएटर पावर्ड बाय डॉल ई एंड यहाँ पर अनलिमिटेड है। ये जो 100 दिख रहा है आपको, ये 100 है ताकि आपकी इमेजेस जल्दी जनरेट हो। जब भी आपका 100 खत्म हो जाएगा तो इमेजेस थोड़ी लेट जनरेट होगी, लेकिन फिर भी जनरेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं अगेन अपना प्रॉम डाल देता हूँ, इंटीरियर डिज़ाइन डाल के देखते हैं हम लोग। एंड डॉल ई का ही है यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आना चाहिए। बट मेरे एक्सपीरियंस में माइक्रोसॉफ्ट का जो इमेज क्रिएटर है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा था। तो मुझे बिंग पे ये दो आउटपुट मिले हैं। पहला था पांडा राइडिंग मोटरबाइक ऑन प्लैनेट मार्स, तो कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पर इमेजेस मिली है कंपेयर टू डॉल ई, जहाँ पर मुझे ये वाली इमेजेस मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का, एंड यहाँ पर ज़्यादा अच्छी इमेजेस मिली है। सेकेंड जो था वो क्वेरी थी क्लिनिक की, एंड देन क्लिनिक पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो आउटपुट मिला है मुझे, दिस इज़ मच बेटर। यहाँ पर एक एक्चुअल में उसने मुझे इंटीरियर डिज़ाइन दी है क्लिनिक की, कि मैं ऐसे रख सकता हूँ, ये चीज़ें डाल सकता हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा है। अब हम लोग चलते हैं हमारा एक और, जो मैंने बताया था कि मिड जर्नी का यहाँ पर फ्री में ऑल्टरनेटिव है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन माई ओपिनियन फॉर फ्री। और मैं फ्री के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जहाँ पर मैं ये सारे फ्री AI आर्ट इमेज जनरेटर्स के बारे में बात करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बाद में देख रहे हो तो शायद से वो वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन के ऊपर। पहले मैं इस वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, वो है bluewillow.ai। जैसे मिड जर्नी है ये भी डिस्कॉर्ड पर ही ऑपरेट करेगा, तो डिस्कॉर्ड पर यहाँ पर आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इस पर अकाउंट बनाओगे, यू कैन क्लिक हियर ज्वाइन द फ्री बेटा, एंड उसके बाद डिस्कॉर्ड पर लॉग इन करके ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री। तो ये रहा इसका डिस्कॉर्ड चैनल, दिस इज़ द वन। एंड यहाँ पर रुकी वाले जितने चैनल्स हैं 49, 50, 51, 52, इन सब का आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगेन इसको भी यूज़ करने का सिंपल ही प्रोसीजर है। यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं इमेजिन, ये आ गया इमेजिन प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ अपना पांडा राइडिंग मोटर बाइक, तो ये अभी आ रहा है, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग बाकी इमेजेस देख सकते हो इन द मीन टाइम, कि लोगों ने क्या डाला है, उनको क्या आउटपुट मिला है, कि ये लोगों ने इनपुट डाला है और कुछ इस तरह का लोगों को आउटपुट मिल रहा है। एंड दिस इज अवर इमेज पांडा राइडिंग मोटर बाइक ऑन प्लैनेट मार्स, एंड आई थिंक दिस इज नाइस। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये आपको U1 दिख रहा होगा एंड V1 दिख रहा होगा। तो ये U1 इसलिए है कि अपस्केल करने के लिए, ये फॉर एग्जांपल मुझे दूसरी वाली इमेज पसंद आ रही है, तो अगर मुझे दूसरी वाली इमेज का फुल रेजोल्यूशन वर्जन चाहिए तो आई विल गो विथ U2। U2 पे वो मुझे उसका फुल रेजोल्यूशन वर्जन जनरेट करके दे देगा। और अगर मुझे इसके और वेरिएशन चाहिए, इसका ही और स्टाइल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे वाली पहली वाली इमेज के थोड़े और बहुत वेरिएशन चाहिए, तो आई विल क्लिक ऑन V1, तो मुझे इस इमेज के और वेरिएशन जनरेट करके दे देगा। ये रही मेरी अपस्केल्ड इमेज। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकता हूँ, एंड आई कैन जस्ट राइट क्लिक एंड क्लिक सेव इमेज एज। यू कैन डाउनलोड दिस इमेज एज वी रेगुलरली डू। एंड नीचे मुझे इसके और वेरिएशंस भी मिल जाने चाहिए। सो ये वेरिएशंस रहे जो मैंने कहा था कि मुझे इन सब के वेरिएशंस चाहिए, ये मेरे वेरिएशंस यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ बिफोर आई जंप ऑन टू एडवांस प्रॉम्प्ट्स, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से कि जितने भी अभी तक हमने वेबसाइट्स यूज़ करी है, इसमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है और क्यों लगी है। मेरे एक्सपीरियंस में बिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बिंग चैट में उसका रेगुलरली यूज़ करता हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड देन ब्लू विलो, वो भी बहुत अच्छा लगा है। डॉली वॉज एवरेज एंड मिड जर्नी इज द बेस्ट, लेकिन फ्री में काफ़ी लिमिटेड है। अब हम लोग बात करते हैं कि एडवांस प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है, कि आपको जो इमेज मिले उसकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। पहला है स्टाइल, सेकंड क्वालिटी, तीसरा है आर्टिस्ट का नाम, जिस भी आर्टिस्ट से रिलेटेड आपको फोटोज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ है यहाँ पर जो आर्टिस्ट की एक स्प्रेडशीट है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अगर आपको कुछ इस तरह के फोटोज चाहिए तो आप लोग यहाँ पर उसका नाम इंक्लूड कर सकते हो कॉमा में, तो AI इस तरह के आर्टिस्ट की आपको इमेज बना के दे देगा। इसके बाद रहेगा स्टाइल। स्टाइल मीन्स कि किस तरह की आपको फोटो चाहिए, डिजिटल फोटो चाहिए, सिनेमैटिक फोटो चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए। तो आर्ट दीज कीवर्ड्स रिलेटेड टू स्टाइल, डिजिटल आर्ट, सिनेमैटिक, रियलिस्टिक, ऑयल पेंटिंग, क्रिएटिव आर्ट, यू कैन इंक्लूड दिस फोटो। देन थर्ड है क्वालिटी, इंक्लूड कीवर्ड्स लाइक हाईली डिटेल्ड, 8K, 4K, अनरियल इंजन। तो इससे जो आपकी इमेज की क्वालिटी है वो थोड़ी और अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द इमेजेस दैट आई हैव क्रिएटेड, ताजमहल इन रेनबो कलर्स, स्मोक अराउंड, डिजिटल आर्ट सिनेमैटिक फोटो, एंड दिस इज द आउटपुट दैट आई गॉट। और एक और अभी मैंने काफ़ी अच्छी डिटेल्ड इमेज जनरेट करी है, दिस वन।
Just look at this character. I can include this character in any video game, in any of my app. मैं अपने inspiration ले सकता हूँ मैं यहाँ से. तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि female who is injured has ripped shirt, blood on her face, 30-year-old blonde, strong, charismatic, cinematic atmosphere, photorealistic, highly detailed, Unreal Engine, Octane render. ये सारे keywords का मैंने use किया है. And अगर आप लोग भी कुछ इसी तरह का detailed उसको input दोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट इमेजेस लाइक दीज, या फिर इससे भी काफ़ी अच्छी. मुझे तो ये काफ़ी अच्छी इमेज लगी है. और इससे हम लोग लोगोज भी बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने एक लोगो बनाया है, फीनिक्स बर्ड लोगो, साइबर पंक, माइक्रोसॉफ्ट इमेज क्रिएटर में डाला है. एंड देन ये कुछ हमें लोगोज मिल गए हैं फॉर फ्री. तो आप लोग भी ऐसे मिक्स करके डाल सकते हो. साइबर पंक अगेन यहाँ पर थीम है जिसका मैंने यूज़ किया है. देन मैंने कहा कि ताजमहल ड्राउनिंग फ्लड विथ थंडरिंग, तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर आ गया है. मान लो मुझे एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना था, तो मैंने इस तरह के यहाँ पर इमेज जनरेट करके मैं उस आर्टिकल में इंक्लूड कर सकता हूँ. अगर अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट. देन मैंने फीमेल कैरेक्टर का इनपुट माइक्रोसॉफ्ट पे भी दिया था, लेकिन जो मुझे इसमें सबसे अच्छा आउटपुट मिला था वो थे डिस्कॉर्ड के ब्लू विलो पर. वो कैरेक्टर्स काफी अच्छे से बना रहे इन माई ओपिनियन. नाउ एग्जाम्पल में मैं एक और बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ आप लोगों को, कि इसके थ्रू आप लोग पूरी अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो. ये मीडियम पर एक आर्टिकल है, इसका लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको. इसने मिड जर्नी के थ्रू ऑलमोस्ट अपनी पूरा ई कॉमर्स स्टोर को रेडी कर लिया है, पूरी डिज़ाइन यहाँ पर रेडी कर ली है. तो पहले यहाँ पर इसने कुछ डिज़ाइंस को स्केच करवाया, ये प्रॉम्प्ट दिया, एंड देन कुछ इस तरह का यहाँ पर उसकी वेबसाइट की डिज़ाइन आ गई सिर्फ इस एक प्रॉम्प्ट से. देन उसने कहा कि लोगो डिज़ाइन कर दो मेरा, उसने कुछ इस तरह से यहाँ पर लोगो के लिए प्रॉम्प्ट लिखा, एंड देन लोगो की डिज़ाइन यहाँ पर आ गई. देन स्केटबोर्ड की डिज़ाइन इसने ले ली यहाँ से स्टेप थ्री में, कि स्केटबोर्ड अगर बेचने तो आप मुझे कुछ इस तरह के यहाँ पे स्केटबोर्ड डिज़ाइन दे दो, स्केटबोर्ड डिज़ाइन भी आ गई. एंड देन यहाँ पर इसने डिज़ाइन कॉम्पोजिशन किया, कि URL डाल दिया इस स्केच डिज़ाइन का, एंड कहा कि ये वाली जो डिज़ाइन है इसको इंक्लूड करके यहाँ पर ये वेबसाइट के होम पेज में डाल दो. तो ये होम पेज इसका थोड़ा और अच्छा हो गया. एंड देन मोबाइल ऐप की डिज़ाइन करी, यहाँ पर URL डाल दिया अपनी वेब डिज़ाइन इमेज का, जो ये वाली इमेज थी इसका यहाँ पर URL डाल दिया. एंड देन कहा कि उसके बेसिस पर आप एक मोबाइल ऐप बना दो, ये सारी थीम रख लो, इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह रहेगी. एंड देन ये उनका पूरा डिज़ाइन आउटपुट आ गया. नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ AI इमेजेस नाउ किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ के लिए, ई कॉमर्स से लेकर के ब्लॉग से लेकर के सिंपल सोशल मीडिया. यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ इमेजेस फ्रॉम दिस AI आर्ट. एंड अच्छी बात भी है कि इमेजेस बहुत जल्दी क्रिएट हो रही है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ स्केरी ऑल्सो कि बहुत ही अच्छी इमेजेस ये बना रहा है. इनफैक्ट आई थिंक बहुत सारे केस सिनारियों में ह्यूमन से अच्छी इमेजेस, ह्यूमन से जल्दी ये बना के हमें दे रहा है. एंड फ्री में मेरे हिसाब से ब्लू विलो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. मिड जर्नी वॉज वन ऑफ द बेस्ट, इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन वो पेड है. फ्री में और भी मैं ऑप्शंस लेकर के आऊँगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे. डू लेट मी नो कि आप लोग यहाँ पर किस तरह के इमेजेस बनाने का सोच रहे हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.